हाई गाइज, आई हैव अ वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू. CBSE ने ऑलमोस्ट 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है फॉर 9 to 12 क्लासेस. ठीक है, तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिड्यूस्ड पोर्शन ऑफ क्लास 11th. तो फटाफट से अपनी NCERT बुक्स निकाल लो, दोनों पार्ट केमिस्ट्री के. ठीक है, तो मैं उसमें तुम्हें मार्क करवा देती हूँ कि कौन कौन सा पोर्शन आएगा और कौन कौन सा पोर्शन नहीं आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से. तो चैप्टर 1 में देख लेते हैं क्या क्या काटना है तुम्हें. देखो, ये सब तो आएगा, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री भी यहाँ तक तो पढ़ ही लेना, कम से कम टॉपिक 1.1. ठीक है, इसके बाद ये जो नेचर ऑफ मैटर है यहाँ से तुम्हें काटना है, तो नेचर ऑफ मैटर काट देना. इस 1.2.1 टॉपिक को काट देना, स्टेट्स ऑफ मैटर को. ठीक है, इसके बाद सब कुछ काटते जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हटा दो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट, SI यूनिट, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब कुछ हटा दो. साइंटिफिक नोटेशन, ये भी इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऑल्दो ये तुम्हारे बेसिक्स इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें. ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस ये सब भी. देखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी हटा दिया है, तो ये भी काट देना. इसके बाद मैं बता देती हूँ कि हमें पढ़ना कहाँ से है. देखो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी, इससे भी पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस. तो इस टॉपिक के बाद और चैप्टर के एंड तक जो भी बीच में टॉपिक्स दिए हैं वो सारे आएंगे चैप्टर 1 के लिए. ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. तो एटॉमिक और मॉलिकुलर मास से शुरू होके चैप्टर के एंड तक, मतलब कि मोलैलिटी तक, यहाँ तक सब कुछ आने वाला है. ठीक है, चलो अब चैप्टर 2 देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इसमें क्या क्या नहीं आ रहा है, देखो, ये स्टार्टिंग का पार्ट हमें नहीं करना है, जहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूरी एक्सप्लेन करी हुई है. तो 2.1 टॉपिक हमें नहीं करना है पूरा. इसके बाद 2.2 टॉपिक जो है, जहाँ पे एटॉमिक मॉडल स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें भी हमें थॉमसन्स मॉडल नहीं करना है, रदरफोर्ड्स मॉडल नहीं करना है. ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब नहीं करने हैं, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स, ये भी नहीं करना है, ड्रॉबैक्स नहीं करना है. अब देखो, अब आ जाओ टॉपिक 2.3 पे. यहाँ पे हमें है पढ़ना डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. अब अगर बोहर्स मॉडल हमें ढंग से समझना है तो ये टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा, तो इस पे टिक लगा लेना 2.3 पे. और डुअल नेचर ऑफ लाइट तो वैसे भी दिया हुआ है तुम्हारे सिलेबस में, तो हमें डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी पढ़ेगा. ठीक है, तो इस टॉपिक को टिक कर लेना, ये बिल्कुल पढ़ना है हमें. पार्टिकल नेचर पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस, डुअल बिहेवियर, यस. हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा अगर हमें ढंग से बोहर मॉडल समझना है, क्योंकि बोहर्स मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, और यहाँ से तो सिलेबस में लिखा ही हुआ है बोहर्स मॉडल से, तो ऑब्वियसली ये टॉपिक आएगा, 2.4 इज गोइंग टू कम. तो इसके बाद बस मैं वो टॉपिक बता देती हूँ जो हमें नहीं करना है. ठीक है, अब ये जो टॉपिक 2.6 है, जहाँ पे हमें हमारा लिखा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. अब देखो, ये टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लेके पूरा इस ग्रीन डब्बे तक तुम काट सकते हो. ठीक है, ये जो ग्रीन बॉक्स है, बिफोर टॉपिक 2.6.1. तो 2.6.1 से लेके जो भी चैप्टर के एंड तक दिया है वो सारा हमें करना है. बस ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने यहाँ पे बताया 2.6 के अंदर, ये वाला तुम हटा सकते हो. ठीक है, बाकी ऑर्बिटल से लेके ऑर्बिटल्स की शेप्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आएगी, ये सारा हमें एंड तक पूरा चैप्टर करना है. ठीक है, अब देखो चलते हैं थर्ड चैप्टर पे. थर्ड चैप्टर विच इज ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज,
इसमें बस थोड़ा सा ही पार्ट हटाया गया है वैसे तो. देखो ये हमें नहीं करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन कि हमने क्यों क्लासिफाई करे एलिमेंट्स. इसके बाद जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे पूरा हिस्ट्री दे रखी है बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो हमें डोवर्नियर्स ट्रायड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है. इसके बाद जहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो रहा है और पूरे चैप्टर के एंड तक हमें वो सारा पढ़ना है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे. देखो चैप्टर नंबर 4 से कुछ भी डिलीट नहीं किया है तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूरा आने वाला है. और चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं क्या क्या हटाया है. देखो स्टेट्स ऑफ मैटर में मैं डायरेक्ट वहीं पे ले चलती हूँ जो पोर्शन हटाया हुआ है. ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आएंगी. गैशियस स्टेट में सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉज जो हैं गैस के, आइडियल गैस इक्वेशन, एवोगाड्रोज लॉ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद देखो जो पोर्शन नहीं आएगा वो है ये वाला टॉपिक नंबर 5.7, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ठीक है. ये वाला टॉपिक पे बड़ा सा क्रॉस लगा देना, 5.7 नहीं आने वाला है. उसके बाद 5.8 फिर से ये आएगा. 5.8 इज गोइंग टू कम. 5.9 यस इट इज ऑल्सो गोइंग टू कम. अब तुम्हारा देखो 5.10 विच इज लिक्विफैक्शन ऑफ गैस. यहां से लेके पूरा चैप्टर के एंड तक जो भी है वो नहीं आने वाला है, ठीक है. 5.10 से लेके पूरा चैप्टर के एंड तक नहीं आएगा. तो वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, ये जो लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज हैं ये हमें नहीं करनी है. पूरा लिक्विड स्टेट ही हटा दिया है, ठीक है. अब आगे वाले चैप्टर पे चलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स. देखो थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कोई खास चेंज वैसे तो किया नहीं है, बट जो भी चिन्ना सा टॉपिक हटाया है मैं वो बता देती हूँ, ठीक है. ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्क है, एंथैल्पी, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अब देखो ये वाला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6.2.2, ठीक है. इस टॉपिक के अंदर जो ये सी पार्ट है, हीट कैपेसिटी, ये नहीं आने वाला, ठीक है. हीट कैपेसिटी को काट देना. उसके बाद डी पार्ट है जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दे रहा है, इसको भी काट देना. सी और डी को काट देना, ठीक है. उसके बाद ये आएगा मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, ये सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. आगे चलते हैं. अब देखो इसके बाद सीधा एंड में आ जाओ चैप्टर के, बिल्कुल लास्ट में आ जाओ. ये सारा आने वाला है, इसमें से कोई डिडक्शन नहीं है. देखो जब चैप्टर के बिल्कुल एंड में तुम्हें एक टॉपिक दिखेगा 6.7, गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है. इस टॉपिक को तुम्हें हटाना है तो ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा है, 6.7 नहीं आएगा. इसके अंदर देखो ये टेबल बना हुआ है, टेबल 6.4, ये वाला टेबल इस टॉपिक के अंडर नहीं आता है तो कंफ्यूज मत होना. सिक्स ये वाला टेबल तो है सिलेबस में, लेकिन 6.7 टॉपिक नहीं है, जो यहाँ पे थ्योरी दी है वो नहीं आएगी, ठीक है. आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, इक्विलिब्रियम. अगेन इक्विलिब्रियम में भी कोई खास सा चेंज किया नहीं है. मैं बता देती हूँ जो छोटा छोटे टॉपिक हटाए हुए हैं यहाँ से. आ जाओ आगे सीधा, ये सारा करना है पोर्शन. लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये सब है, होमोजीनस हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया ये सब करना है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर ये सब इंक्लूडेड है, ये सब आने वाला है. आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, एसिड बेस सॉल्ट सब आएगा. आयनाइजेशन, ओके, काफी बड़ा चैप्टर है ये. कॉमन आयन इफेक्ट भी आएगा. हाँ 7.11.9 ये वाला टॉपिक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड द पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशंस. तो ये वाला टॉपिक नहीं आएगा तो मार्क कर लेना 7.11.9, ठीक है. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ये वाला नहीं आएगा. अब बफर सॉल्यूशन आएगा डेफिनेटली, 7.12 आएगा.
बट इसके अंदर 7.12.1 डिजाइनिंग बफर सॉल्यूशन जिसके अंदर हैसलबैक इक्वेशन दी हुई है, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो 7.12.1 को काट देना। तो दो टॉपिक कटवाए हैं अभी मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये सारा आने वाला है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है ये सारा, तो ये सारा आएगा। तो बस वो दो छोटे छोटे टॉपिक हट रहे हैं इस चैप्टर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शंस, अब हम सेकंड आ गए हैं केमिस्ट्री के बुक टू। तो इसमें से सीधा एंड पे आ जाओ, जो एप्लीकेशंस हैं रिडॉक्स रिएक्शन की वो नहीं करनी है बस हमें, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस तो वो बिल्कुल एंड में दी हुई हैं, ये सब आएगा। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कैसे बैलेंसिंग करनी है दो टाइप के मेथड से, ठीक है, वो सब आने वाला है। तो बिल्कुल एंड में चलते हैं। हाँ देखो, अब ये जो टॉपिक दिया है ना 8.3.3 रिडॉक्स रिएक्शंस एज द बेसिस फॉर टाइट्रेशंस, तो ये यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है रिडॉक्स रिएक्शंस की, तो ये हमें नहीं करना है। तो यहाँ से सब कुछ काट देना, ये वाला टॉपिक अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना 8.3.4, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे ये पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो 8.3.3 काट देना, 8.4 भी पूरा काट देना। देखो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे दे रखा है पूरा टॉपिक, और ये ट्वेल्थ में हम पढ़ते ही हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, पूरा पढ़ा जाएगा, तो शायद इसीलिए इसको काट दिया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हट जाएगा इसमें से, ओके। अब हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन में से भी जो पोर्शन डिलीट किया है वो मैं बता देती हूँ। देखो ये तो है डाइहाइड्रोजन, तो टॉपिक नंबर 9.3 ये वाला है प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ये नहीं आएगा यहाँ पे। 9.3 को कट कर देना, पूरा टॉपिक नहीं आएगा इसके अंदर जो भी है। उसके बाद 9.4 भी नहीं आएगा, मतलब प्रिपरेशन नहीं आ रही है, प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद यूजेज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कट कर देना जो भी हाइड्रोजन के बारे में यहाँ तक दिया हुआ है, यूजेस, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, एक तो हाइड्रोजन की ये सब चीज़ें नहीं आ रही हैं, और हाइड्रोजन परऑक्साइड की भी ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये रहा। देखो 9.7 टॉपिक में अगेन जो भी हाइड्रोजन परऑक्साइड की तुम्हें प्रिपरेशन दे रखी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चर है, यूजेस है, केमिकल प्रॉपर्टी, स्टोरेज, ये सब नहीं करना है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला पूरा टॉपिक काट देना, ठीक है। तो यही है हमारा हाइड्रोजन से जो डिलीट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एस ब्लॉक से क्या डिलीट किया है। देखो एस ब्लॉक में हमारा जो डिलीट हुआ है, ये जो जनरल ट्रेंड्स हैं इनको रख लिया है, बट जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं इन एलिमेंट्स के उनको हटा दिया है। तो मैं उस पर आ जाती हूँ डायरेक्ट, सब आ रहा है, हाँ ओके। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, ये वाला टॉपिक है, ठीक है। तो 10.4 टॉपिक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट हटा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब कुछ नहीं आ रहा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी हटा दो। उसके बाद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम ये भी हटा दो, ठीक है। फिर स्टार्ट हो जाएगा 10.6 से। 10.6 में भी पूरे जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, साइज, हाइड्रेशन एंथैल्पी, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ना है, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है, फिर से वही सेम चीज़ है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे ग्रुप टू के वो नहीं पढ़ने हैं हमें। तो कंपाउंड ऑफ कैल्शियम दिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, तो ये सब हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद यूजेस दिए हैं और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दिए हैं मैग्नीशियम कैल्शियम की, ये सब काट देना, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दिए हैं ग्रुप वन और ग्रुप टू के वो सब हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो इसमें भी सेम ही चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एस ब्लॉक में हटाए थे वैसे ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इसमें भी हटाए हैं,
तो मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाती हूँ. टॉपिक नंबर ठीक है. तो यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन दिए गए हैं. तो बोरैक्स ये नहीं आएगा, 11.3 टॉपिक नहीं आएगा, ऑर्थोबोरिक एसिड नहीं आएगा, डाइबोरेन नहीं आएगा, ठीक है. यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्युमिनियम ये भी नहीं आएगा. फिर 11.5 से शुरू हो जाओ. नेक्स्ट ग्रुप तुम्हारा 14 शुरू हो गया है, ठीक है. इसमें भी जनरल प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है बस. इसके बाद जो काटना है वो बता रही हूँ, ये सब पढ़ना है. हाँ, यहाँ से सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकन, ठीक है. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ये सब नहीं करने हैं हमें. कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकन डाइऑक्साइड ये भी नहीं करना. सिलिकन्स ये नहीं करने हैं. जियोलाइट्स, सिलिकेट्स ये सब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है. ये सब काट देना. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देखो इसमें से वो टॉपिक हटाया है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा बकवास लगता था, तो जल्दी से नीचे आ जाते हैं उस पर. मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. देखो ये पूरा टॉपिक हटा दिया है 12.8. इसके बाद 12.9 और 12.10 ये दोनों टॉपिक भी हटा दिए हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है. तो ये सारा टॉपिक हटा दिए हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड 12.10 में हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो ये रिमूव कर दिया है. नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 13, हाइड्रोकार्बन्स. देखो हाइड्रोकार्बन्स में से बिल्कुल ज़रा सा पार्ट हटाया है, तो मैं फटाफट से बता देती हूँ. देखो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स में से हटाया हुआ है. तो पहला टॉपिक जो हटाया है दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये वाला काट देना. इसके बाद कंबशन रिएक्शन है सेकेंड पॉइंट, ये वाला काट देना. और सेवेंथ पॉइंट है पायरोलिसिस, ये वाला काट देना. तो ये तीन टॉपिक हैं जो रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स में से हटाए हैं, बाकी पूरा चैप्टर आएगा ये, ठीक है.